लोकतंत्र की हत्या करने की तुलना में ईवीएम मशीन को जो तोड़ना है वो कम ही है, और हम लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए सर, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। अपनी श्रद्धा के साथ में अपने मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे वो अपना आराध्य देव का पूजा करते हैं, तो क्रिश्चियन लोगों ने तो कभी भी उनको इल्जाम नहीं लगाया कि भाई। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज कुनकुरी में भारत मुक्ति मोर्चा और क्रिश्चियन फोरम का संयुक्त जो है यहाँ पर सम्मेलन हुआ, और बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत मुक्ति मोर्चा में आए हुए हमारे रूप नारायण जी, वो अपना परिचय पद खुद बताएंगे, और उसके बाद फिर उनसे मैं एक सवाल करूँगा। सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम रूप नारायण एक्का है, और मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी की जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहा हूँ। सर, एक का सवाल आपसे है, आपके एक वक्तव्य में सुना काफ़ी भड़काव उठाओ। कौन सा शब्द सर? ईवीएम आपकी बार बंद नहीं हुआ जी, उनसे चुनाव होता है हाँ, तो हम ईवीएम मशीन को फोड़ देंगे, वोट देने जाएंगे जरूर, लेकिन हाँ, वोट देंगे नहीं, ईवीएम मशीन फोड़ कराएंगे, क्या ये उचित है सर? सर, मैं इसके संदर्भ में कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र की जो हत्या ईवीएम मशीन कर रही है जी जी, तो हम लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, है ना, लोकतंत्र का जो डेफिनेशन है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो ये लोकतंत्र का डेफिनेशन ईवीएम के बाद में बदल गया जी जी। ये ईवीएम का, ईवीएम के लिए, ईवीएम के लोगों के लिए, इस तरह का डेफिनेशन क्रिएट हो गया जो लोकतंत्र को नहीं राजतंत्र को पैदा कर रहा है। ये पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा समस्या है जी जी। तो जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लोग जो तुले हुए हैं जी जी। अगर उसके कंपेरेटिवली अगर हम लोग देखें जी जी। और हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर छोटा सा अपराध कर देते हैं ईवीएम मशीन को फोड़ना जी जी। तो लोकतंत्र की हत्या करने की तुलना में ईवीएम मशीन को जो तोड़ना है वो कम ही है, और हम लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए सर, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। प्रशासन अपनी कार्यवाही संवैधानिक तरीके से कर सकती है, और हम इसके लिए जेल जाने को भी तैयार हैं जी। सर, दूसरा सवाल मेरा जी, क्रिश्चियनों के ऊपर जो सताव हो रहा है हाँ, तो क्या जब कभी हमारे जिले में इस तरह की घटना होती है जी, तो क्या भारत मुक्ति मोर्चा वहाँ पहुँचे? बिल्कुल, हम लोग सर पूरी तरीके से, हमारे जितने भी जो साथी लोग हैं जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं, है ना, कोई लिंगायत कोई मानता है, कोई बुद्धिज्म को मानता है, कोई क्रिश्चियनिटी को मानता है, कोई मुस्लिम को मानता है, कोई सिखिज्म को मानता है, जैनिज्म को मानता है, ये तमाम साथी लोग जो है ना सर, भारत संविधान से चलता है, और भारत का जो संविधान है आर्टिकल 25 के तहत उनको स्वतंत्रता पूर्वक धर्म को अपनाने का, स्वतंत्रता पूर्वक धर्म को मानने का इजाज़त देता है, ये संविधान देता है, और कुछ गिरोह के द्वारा संविधान 25 के अनुच्छेद 25 के आर्टिकल का उल्लंघन दिन दहाड़े किया जा रहा है, तो हम लोग इसके विरोध में सर 100% खड़े होंगे, और जब भी हमारे लोगों की हमारी ज़रूरत की महसूस होगी, ज़रूरत महसूस होगा, हम लोग हमारे उस बात को जिलाधिकारी के माध्यम से पहुँचा के हम लोग उसका समाधान जरूर करेंगे, और मैं पूरे हमारे लोगों को इसका आश्वासन देता हूं मैं। तो सर, ये जो बजरंग दल है जी, लोग क्रिश्चियनों के घरों में जाते हैं हाँ, प्रार्थना करते हैं जी, उसको भी लोग धर्मांतरण कह करके उनसे, उनके साथ मारपीट भी की जाती है हाँ, बहुत कुछ किया जाता है जी जी जी। ये तो क्या इन लोग इस बात को नहीं समझते सर, धर्म देश में रहते हैं हम लोग, बिल्कुल धर्म मान सकते हाँ, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना क्या धर्मांतरण होता है क्या सर? नहीं, धर्मांतरण नहीं होता, इसको धर्मांतरण नहीं कहा जा सकता है, प्रार्थना करना, स्तुति करना, आराधना करना अपने चर्च में या अपने घर पे, है ना, ये इसको किसी भी सूरत में धर्मांतरण का नाम नहीं दिया जा सकता। अगर ये धर्मांतरण है तो हमारे जो अन्य भाई हैं अपनी श्रद्धा के साथ में अपने मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे वो अपना आराध्य देव का पूजा करते हैं, तो क्रिश्चियन लोगों ने तो कभी भी उनको पर इल्ज़ाम नहीं लगाया कि भाई आप लोग यहाँ पे धर्मांतरण कर रहे हैं, ऐसा तो कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है। मेरा कहना ये है सर कि लोकतंत्र में जो समस्त लोग हैं धर्म की स्वतंत्रता पाने के 100% हकदार हैं। क्रिश्चियन अगर अपने घरों पर अगर आराधना स्तुति करता है तो उसका निजी अधिकार है, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 के तहत उनको ये अधिकार मिला हुआ है, वो अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करें, और जो अन्य धर्मों के जो मानने वाले लोग हैं वो लोग भी मान सकते हैं, लेकिन ये जो बजरंग दल के द्वारा जो ईसाइयों के घर में घुसना, सबसे पहला चीज़ तो सर
ये अपराध की श्रेणी में आता है। मैं अपने आपके घर में जबरदस्ती नहीं घुस सकता, तो ये जो बजरंग दल के लोग हैं जबरदस्ती चर्च में घुस जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, पहला अपराध तो ये है। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर प्रशासन कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी तो भारत मुक्ति मोर्चा इसके ऊपर में पहल किया जाएगा, और अगर उसके बावजूद भी प्रशासन को अगर चेत नहीं आता है तो सर ये पूरी तरह से प्रदेश स्तरीय आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। जी सर, पिछले बार मुख्यमंत्री के ऊपर जो केस दर्ज हुआ था, जी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है सर? वो तो कुनकुरी थाना के अंदर में एक उनके लिए ज्ञापन सौंपा गया था कि मुख्यमंत्री के ऊपर में आप कार्रवाई कीजिए, तो अभी तक उन्होंने कार्रवाई नहीं किया है, और भारत मुक्ति मोर्चा इसका बहुत जल्दी सुधी लेगा और संवैधानिक रास्ते पे संवैधानिक वे से उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करेगा, और अगर ऐसा करने में पुलिस किसी तरह का आनाकानी करता है तो ये प्रदेश स्तर का बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा सर। ये हाँ सर, समझ देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, मैं समस्त दर्शकों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो सर का कंटेंट रहता है वो बहुत ज़बरदस्त रहता है, और सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कम से कम हमारे सर के लिए 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए इतना आप लोग ज़रूर मेहनत कीजिएगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्यवान सिंह।